भाई देख रहे हो, मतलब गर्मी सूर्य देवता एकदम ऐसे ऊपर से अभी 35 तक तो बिल्कुल सीधा जाना है जी अपने को, बिल्कुल नाक की सी बंद हो जाएगी सी। नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप सब। मैं एकदम बढ़िया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माउंटेन राइडर। मैं हूं सोनाक्षी और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, सो वेलकम टू माय चैनल माउंटेन राइडर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाइम अभी हो चुका है अराउंड 9:30 और हम निकल चुके हैं अपनी राइड के लिए। होने को है फ्रॉम चंडीगढ़ टू अमृतसर। सो हम निकल चुके हैं जी अपनी राइड के लिए, जो कि हमारी है सोलो राइड विद मै सिंघम। और ये हम जो रूट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हम फगवाड़ा और जो जलंधर वाला एरिया है वो हम रूट लेंगे। सो बस बजरंग बली का नाम लेके, आज दिन भी बजरंग बली तो सब जोर से बोलते जय बजरंग बली। पहले मेरे को फ्यूल अप करना है अपना, जो सिंघम है उसका पेट आधा खाली है और मेरा तो पूरा ही खाली है। पहले यहाँ चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं, फिर करेंगे कुछ चाय नाश्ता। यार उसका स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड मतलब अपना स्टैंड ही हटाना भूल गया। आ गई जी भारत के पेट्रोलियम में, टैंक फुल कर दो। रुको एक बारी, हाँ अब करो। ये वाला रेट है, ये डीजल नहीं चल रहा क्या इसका? ये चल रहा है ना। सो ये सभी अराउंड 7 किलोमीटर हम आ चुके हैं चंडीगढ़ से आगे, नो स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी गर्मी बहुत ताबड़तोड़ हो रखी है, मतलब भयंकर वाली। यहाँ कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है क्या? यहाँ तो कोई भी कहीं भी घुस रहा है। अरे चलो I-10 बबुआ। भाई देख रहे हो, मतलब गर्मी सूर्य देवता एकदम ऐसे आग उगल रहे हैं पूरा वाला। और राइडिंग जैकेट पहनने के बाद तो भाई सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे यार इससे पीछा कब छूटेगा कोरोना से। सो गाइस हमने लिया है हमारा फर्स्ट हॉल्ट, जो कि अराउंड चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ बहुत बिक हो रहा है, प्लस गर्मी तो हो ही रही है। हमने लिया है एक नो मौसमी ब्रेक, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि रहा अपना एकदम सारा फुल्ली पैक्ड। आई टेल यू बहुत सी वजह से पीती नहीं हूँ, मैंने कहा चलो एक ट्राई देकर देखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू। बाय गॉड जो भर भर के पसीने निकाल रहा भगवान। सो अभी एक छोटा सा 10 मिनट का हॉल्ट लिया था और उसमें मैंने कॉल कर लिया और फिर थोड़ी सी डिहाइड्रेशन टाइप हो रही थी, थोड़ा सा पानी पी लिया। बाकी पीने के बाद उसका तो आनंद बहुत आया, लेकिन जब बैठी ओहो जो बम जले ओहो। सो अभी जो है मैंने ये डेस्टिनेशन डिवाइड कर दिया एक्चुअली इसको, मतलब मैंने अभी जो डेस्टिनेशन सेट किया है वो है बालाचौर, तो उधर जाके और उधर दूर है वो यहाँ से, तो वहाँ पे जाके 12 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। और अभी 10:20 हो रहा है, रक्षाबंधन। हाँ यार मूवी से याद आया कि रक्षाबंधन भी आने वाला है और अपना 15 अगस्त है ना, दो बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। क्या गूगल आंटी क्या बोला? अच्छा कुछ नहीं, गूगल आंटी सेट कर रहे थे तो मुझे लगा कि कुछ कह रही है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, नंगे पैर, ओह
मनाली मनाली ओ मनाली आप सभी मनाली निकल सकता है तो क्या बोल दिया पब्लिक मनाली जान तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं इस पॉइंट पे फगवाड़ा यहाँ से 78 नवाशहर 38 और बंगा 51 सो प्रोबेबली जो है बालाचौर है वो अराउंड 25 या 24 किलोमीटर्स है और जो बंगा है वो है 51 सो बस हम यहाँ आए हैं थोड़ा बहुत मैंने कहा थोड़ा सा हॉट लिया जब फोटो स्टिक की है सो बाकी यू कैन सी गर्मी देखो सूर्य देवता बिल्कुल सर पे ऐसे सर के ऊपर है ये रहा अपना सिंघम हाईवे और ये रहे हम सो चलते हैं आगे और जो भी मेरे जो अपडेट्स हैं फोटोग्राफ्स हैं तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी सो गो इंस्टाग्राम पंजाब साइड आ रही हो ना तो यार कुछ खेत कूद बढ़िया से देखने को मिले क्योंकि बहुत टाइम हो गया है वैसे तो यहीं पे जितना अच्छा व्यू दिख रहा है बट खेत देखने को मिल जाए तो बढ़िया है ये देखो राइडर प्रोवाइडर हेलमेट ही लगाया बंदे ने मस्त बिंदास चल भाई खींच ना गड्डी ये एक बार बहुत पहले आई थी छोटी थी तब मैं तब मैं अमृतसर गए थे तब गोल्डन टेम्पल और यू नो जल्दी जल्दी देखा था फटाफट से बट ऐसे इस बार आप मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी जगह दिखाने वाली हूँ और एक स्पेशल सरप्राइज भी प्लान है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा अगर नहीं फॉलो किया तो इंस्टाग्राम का हैंडल जाके फॉलो करो मैं नीचे यहाँ पे डाल दूंगी सो आप जाके फॉलो कर सकते हो और प्लस अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ढाबे ढाबे और ट्रक ही ट्रक क्या है बस सोचती हूँ लेके जाऊँ इसको बट लेके जाया जाता नहीं है सच बता फिर क्या इससे लेके जाए बाइक पे ट्रक या ये हमारा दूसरा टूल टाइम चेक इट्स अराउंड 11:35 और बाहर बहुत ही तेज़ धूप हो रही है पूरा का पूरा धूप में ऐसे तप रही है सारी गाड़ियाँ और उधर खड़ा अपना सिंघम उस तरफ पे वहाँ पे थोड़ा सा दिखा होगा सो यस जो है मतलब काफ़ी देर तो मैं चलती रही उसके बाद मेरे को लगा भाई अपना तो इसका तो पेट्रोल पेट भरा हुआ है अपना पूरा फ्यूल खाली हो चुका है रिजर्व भी ख़त्म हो चुका है तो मैंने कहा कुछ ना कुछ फ्यूल अप कर लेते हैं सो यहाँ पे बालाचौर से आगे जाके एक मैकडोनल्ड्स पड़ता है लेफ्ट साइड में सो बस वहाँ पे मैंने यू टर्न मार के और फिर आना होता तो वहाँ पे मैंने लिया स्टॉप बस ऐसे छाँव कर दे तो कितनी अच्छी छाँव होगी सारी सारी सो यस हमने लिया आइस टी एंड एक मैकवेजी का बर्गर उसके बाद निकलते हैं तो मुझे लगता है 2 बजे तक मेरा पहुँचना होगा अमृतसर
और वहाँ पे कितनी भीड़ होगी ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। यस जन्नत मिलेगी। तो गाइज अभी बज रहे हैं अराउंड 12:15 और हमारा जो लंच है वो हो गया है और विटामिन डी भी साथ में ले रहे हैं। बाकी यहाँ का व्यू देखो, यहाँ पे पूरी पूरी गर्मी हो रखी है, यहाँ पे बच्चों के लिए लगा रखे हैं झूले एंड यहाँ पे बिठा रखा है ऊंट पूरी गर्मी में। बाकी बस यहाँ से जो रास्ता है ये सर्विस लेन है, यहाँ से आगे जाके फिर फगवाड़े का रास्ता निकलेगा। तो उधर की ओर निकलते हैं और पहुँचते हैं। सो गाइज ये था मैकडोनल्ड्स जहाँ पे हमने किया था मतलब खाना पीना लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी कह लो ब्रंच कह लो। और अभी टाइम हो चुका है 12:28 और हम आ चुके हैं अभी 72.5 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। पिकाचू एक बारी दोबारा कह दो जी, जय बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय। मतलब अपने को तो हाईवे पकड़ना है, कहीं नहीं जाना। और जैसे ही मेरी जो बाइक थी ये बिल्कुल एक्सट्रीम धूप में खड़ी थी और जैसे ही मैं इसकी सीट पे बैठी ओ हो सारी नींद उड़ गई मेरी क्योंकि इतना गर्म है भाई। जय माता दे, ओम नमः शिवाय। मिराज दिख रहा है यार, जैसे होता है ना सामने पानी पड़ा है बट लगता नहीं है पानी है, वो जब वो उसके पास जाते हैं। और अभी जो हमारी लोकेशन है एग्जैक्ट लोकेशन वो है 169 किलोमीटर जो कि हम करीबन 3:30 तक पहुँचेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा खींचते हैं गाड़ी को, हम मिलते हैं आपको आगे। बाद राउंड अबाउट तो अभी 35 तक तो बिल्कुल सीधा जाना है जी अपने को, बिल्कुल आपके सीध बन जाओ शेख चली। वाह यार भुट्टे चुरे, अगर मैं भुट्टे वाला मिलता है ना फिर भुट्टे चुराते हैं यार। यहाँ तो खास ही बहुत है, तो जाना मुश्किल है। साफ सूख खा गया तो मम्मी ने वैसे मेरी पिटाई कर देनी है बहुत। खटकर कलान स्वागत है आपका, खटकर कलान भी अराउंड 159 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं फ्रॉम चंडीगढ़। और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है यार। और यार अभी जस्ट मैं ये इसलिए कैमरा पीछे बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पीड लेनी थी, और अभी मैंने ये देखा है यार ये क्या चीज़ है, मतलब इतनी मस्त है। सी आपको दिख रहा होगा ये है फ्रीडम स्ट्रगल मेमोरियल। वाह वापस आते टाइम देखते हो, अगर मुझे देखने का मौका मिलता डेफिनेटली मैं देखूंगी इसको ना। लोटस टेम्पल है ना, लोटस टेम्पल होता है तो मतलब स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही है। तो गाइस अभी हम जो माई डेस्टिनेशन है अमृतसर की तो वो अराउंड 78 किलोमीटर ही रह गई है जो एग्जैक्ट लोकेशन है, तो वहाँ पे लाइक मेरा स्टे है तो वो बस 78 किलोमीटर है। बाकी देखो यार मतलब अभी एक्चुअली मैंने हॉल्ट लिया था तो जो एक्शन कैमरा है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो उसको चेंज करने के लिए मैंने स्टॉप किया था। तो यहाँ पे देखा पूरा जा रहा है लॉकडाउन है, कहाँ जा रहे हैं अड़े में सारे के सारे जा रहे हैं। भगवान ने थोड़ी कृपा कर दी है थोड़ा जब हमारे जा रहे थे, तो थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू भाई। देखिए वैसे कह रहे बारिश होगी, बारिश का सिनेरियो लग रहा है। बाकी तो लेट्स स्विच ऑन द कैमरा उसे चेंज करते हैं। हाँ सो गाइज माउंट जो हमारा कैमरा है इसका बैटरी चेंज हो चुकी है, बस अब बैठते हैं अपने सिंह पे। ओहो कीचड़ बहुत हो रहा है बीच बीच में।
मैन क्या था ये? फाइनली गाइस टाइम चेक इज 4:55 एंड हम अमृतसर पहुंच चुके हैं. तो अपना स्टे है सो वहां पे आई एम देयर. सो आई एम प्लानिंग कि अभी हम थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग गोल्डन टेम्पल. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड अभी के लिए करेंगे रेस्ट और मिलते हैं आपको 6 या 7 PM पे. फाइनली गाइस इतने स्ट्रगल के बाद वी हैव रीच्ड टू गोल्डन टेम्पल. और भाई साहब मतलब कैसे कैसे करके पहुँचे देखा ही होगा. गली इतनी कंजस्टेड और इतनी ज़्यादा भीड़. बट एनी हाउ मैं आपको मिलाना भूल गई. सो एक्चुअली जहाँ पे मैंने स्टे किया है सो वहाँ पे वन ऑफ आर राइड फ्रेंड जो कि लास्ट जो ब्लड डोनेशन राइड थी तो उसमें हमें मिले थे. सो ही इज़ लिविंग इन अमृतसर एंड मेरा अमृतसर का प्लान था. सो ही सेड कि मतलब बाइक लेके जाना बहुत ही मुश्किल रहेगा एज यू नो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एंड ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड हूँ. सो वी प्लान्ड आउट कि मैं एज अ पिलियन जाऊँगी एंड आज हम गोल्डन टेम्पल को एक्सप्लोर करेंगे. दिस इज़ द पार्किंग. यहाँ पे इस तरफ पड़ता है गोल्डन टेम्पल. यहाँ से रूट लाते हुए और यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो. तो ये जो है ये सेफ पार्किंग है. आज एक चीज़ मैंने करी, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा कि मैंने मतलब वैसे पहले मैं 95 कुछ की ही स्पीड पे टॉप स्पीड पे चलाती थी बट आई क्रॉस अराउंड 107. अब बाकी के लिए नई अचीवमेंट होती होगी बट मेरे लिए है. सो वी हैव आवर फ्रेंड विद अस मिस्टर विश्वजीत. सो ये हमें मिले थे जो ब्लड डोनेशन ब्लड कनेक्शन वाली राइड थी इन चंडीगढ़. ही लिव्स इन अमृतसर. सो मेरा अमृतसर का प्लान था एंड ही सेड कि ओके कोई बात नहीं आई विल असिस्ट यू आई विल हेल्प यू. गोल्डन टेम्पल का हमारा प्लान बना कि फटाफट से आज ही आए हैं तो एक ही चीज़ हम देख सकते हैं बिकॉज ज़्यादा चीज़ तो नहीं देख पाएंगे. नहीं, विल नॉट बी एबल टू डू मच. शनिदेव जी का मंदिर भी है एंड देयर इज द मार्केट. सो यहाँ पे यू कैन कीप अप योर शूज एंड वेयर एज जो ये बैग्स होते हैं वो आपको वहाँ रखने होते हैं उसका अलग सेक्शन बना रखा है. जी जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ रहा है. ये टोकन हमें मिल गया, एक टोकन दो टोकन मिलेंगे. तो फर्स्ट एक होगा शूज़ के लिए, दूसरा होगा बैग्स के लिए. गर्मी ठीक है, वेरी प्लेजेंट टुडे. हाँ सीरियसली फैंटास्टिक. अच्छा मैं आई हूँ ना, शिमला वाले लोग आए हैं इसीलिए हम साथ में बारिश लेके आए हैं तो इसीलिए यहाँ पे गर्मी हो गया. मैंने बोला था कि भगवान यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा बारिश कर देना अच्छी सी. थैंक यू. तो यहाँ पे नीड टू फर्स्टली वॉश योर हैंड्स क्योंकि आप शूज़ खोलते हो तो हाथ गंदे होते हैं. ये ऑरेंज कलर का सही रहता है. वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे.
गाइज योर बैक एंड सीन ये था कि वहाँ अंदर शूट नहीं करने देते थे बट इट वॉज रियली गुड, मतलब सही टाइम पे हम आए एंड ऑल थैंक्स टू हिम. बट ये है कि सबसे पहले हम सामान कलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज दैट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट. बट आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स. काफ़ी सुंदर डेकोरेट कर रखा वो, अलग बात है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है. तो यू कैन नॉट शूट, यू कैन नॉट टेक फोटोग्राफ्स. बट यार खुद आके एक्सपीरियंस करो, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा. और अभी यू नीड टू रश, सामान का मिशन हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारा है शूज़ लेने का. पूरा गोल्डन गोल्डन यार गाइस, इट हैज बीन चेंज्ड इनटू अ हेरिटेज. तो ये पूरा हेरिटेज में चेंज कर दिया है एंड बहुत सुंदर लग रहा है यार. जो पता नहीं काफ़ी टाइम पहले मार्केट जो मैंने देखी थी इट वॉज कम्प्लीटली रॉ एंड यहाँ पे मतलब जो व्हीकल्स है वो अलाउड पहले आ जाती थी, अब नहीं आती है. एंड बाकी वी विल बी गोइंग टू बेस्ट अमृतसरी कुलचा वाली प्लेस एंड यू शुड ऑल्सो कम. वी गोइंग टू दिस केसर पंजाबी ढाबा. फोर मिक्स मतलब चार तरह के नान जैसे? नहीं नहीं चार, एक ही में मिक्स होगा सारा मसाला. तो इसमें होता क्या है? फोर मिक्स फोर मिक्स कुलचा होता है, आलू गोभी ओनियन पूरी मिक्स होगा सब्जी का मिक्स. सो यहाँ का जो स्पेशल फोर मिक्स मतलब सब्जी होती है पिंक फोर मिक्स वाला कुलचा एंड लेट्स सी कैसा होता है. वी आर ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आई अच्छा ही होगा. अमृतसर में आया और अमृतसर कुलचा नहीं खाया तो क्या खाया? सो वी गॉट आवर कुलचा, सी आ गया, उन्होंने तो खाना भी शुरू कर दिया. मैंने अभी खाना, आई एम ऑल्सो हंग्री, मैंने बड़ा फिनिश करना है. मिलते हैं आपको बाद. गाइज वी आर बैक हेयर इन आर रूम एंड बस अभी टाइम अराउंड हो चुका है 9:10. सो डिनर भी हमारा बाहर हो गया था फटाफट, जो अमृतसरी कुलचा था सो वो हमने खा लिया था. मतलब वी वर लकी कि हमारा यू नो अच्छे से दर्शन हो गए थे. बट सॉरी मैं आपको दिखा नहीं सकी बिकॉज क्या है कि वहाँ पे जब आप रूट में जा रहे हो तो तब आपको मतलब कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आउटसाइड जो एरिया है वहाँ पे आप कैमरा यूज कर सकते हो. अपने बालों को टाई करके रखना पड़ता है एंड अपने मतलब एक पटका या दुपट्टा कुछ भी लेना होता है आपको, सबको कवर करना है. एंड रात में इट वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब बहुत ही सुंदर था. इतना टाइम भी मैं रही वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा और बहुत पीसफुल लगा. सो मतलब यहाँ मैं आई एंड ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड एंड जिन्होंने एक्चुअली में क्या था कि फर्स्टली वी आर प्लानिंग कि हम मतलब बाइक मैं भी लेके जाऊँ. बट थिंग इज़ कि मतलब मेरा 4 बजे तक पहुंचना हुआ था सो वहाँ पे क्या होता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो ही सेड कि हम है ना मतलब पिलियन पार्किंग है बट जो ऑन द रूट है आपको विद इन बाजार से होके जाना पड़ता है एंड आई कैन से एंड बहुत टाइम टेकिंग है. तो जस्ट टू सेव द टाइम सो आई यू नो माई फ्रेंड वॉज राइडिंग इज कावासाकी वर्सेस. सो ये वही कावासाकी वर्सेस है जो मेरे लास्ट ब्लॉग में थी. सो अगर आपने ब्लॉग नहीं जाके देखा तो प्लीज जाके देखो, मैं उसका आई बटन ऊपर डाल दूंगी. सो टिल देन आज के लिए बस इतना ही, बाकी की जो और जगह है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी. एंड यस और भी जगह है जो मुझे कल एक्सप्लोर करनी है. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट व्लॉग. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, मी एंड माई फ्रेंड एंड हिज बाइक अ पार्ट ऑफ योर डे. एंड यू नो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल माउंटेन राइडर. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड